हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में आए थे। हमेशा की तरह हमारे लेक्चर जो होंगे वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे ही, और भी एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं ये लेक्चर्स उस एग्जाम में भी आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। सवाल है, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज when there is an increase in the sale of the product, when there is a natural increase in the value of the property owned, when you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity। तो देखिए, कैपिटल गेन इसका मतलब क्या होता है, आपने कुछ प्रॉपर्टी रखी है, आपने कुछ कैपिटल रखा है, उसमें अगर इंक्रीज आता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीदा, ये घर खरीदा था आपने 10 लाख रुपए में, एक साल के बाद इस घर की वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको जो गेन हुआ अपने इस कैपिटल पर वो कितना हुआ, आपकी प्रॉपर्टी पे गेन कितना हुआ, आपकी प्रॉपर्टी पे गेन हुआ दोस्तों 2 लाख रुपया, है ना, 12 माइनस 10 हुआ 2 लाख रुपया। इसी तरह आपने पेंटिंग खरीदी, पेंटिंग आपने खरीदी थी 5 लाख रुपये में, इस पेंटिंग का दाम का जो दाम है वो बढ़ करके 7 लाख हो गया, आपको कितने का मुनाफा हुआ, आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा घर बैठे हुआ, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बस आपके प्रॉपर्टी का दाम अपने आप बढ़ गया, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स अराइज व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी एक्सपैंड नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। आपका जो मकान था 2 कट्ठे में, वो 2 कट्ठे में ही है, बस उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो देखिए, इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, हमारे प्रॉपर्टी का जो दाम बढ़ा था वो हमारे कैपिटल गेन में आएगा, है ना। 1 को मैं भी नहीं देख रहा, अब मैं देखूंगा 3 को। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग और उसकी अगर पॉपुलरिटी की वजह से उसका दाम बढ़ जाए तो क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल गेन, है ना। तो मेरा 3 भी सही है, मतलब मेरा 2 और 3 दोनों सही है। इस तरह मैंने ए को एलिमिनेट किया और मैंने सी को एलिमिनेट किया। अब मेरे आंसर के सही होने के चांसेस कितने हो गए, 50% हो गए, क्योंकि बी या डी में से कोई आंसर तो होगा ही। अब देखिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेल में बढ़ोतरी हो रही है, प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और वैसे भी अगर उस प्रोडक्ट के उसके दाम में बढ़ोतरी होती तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। मेरा पहला जो आंसर है वो गलत है, मेरा आंसर हो गया बी, 2 और 3 आर करेक्ट। दोस्तों, आपके कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना होता है। आपने घर खरीदा था, घर का दाम बढ़ गया, 10 से 12 लाख रुपया हो गया, आपको 2 लाख रुपये का मुनाफा हुआ, इस मुनाफे पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा, उस टैक्स का नाम होता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये टैक्स कौन लेवी करता है, ये टैक्स आपको किसे देना पड़ता है, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पहला सवाल हो गया ये। दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये बताना है। कल मतलब कि 18 मई को कश्मीर में हमारे जो श्रीनगर है वहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो गुड्स होंगे और जो सर्विसेज हैं उसके उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ, चूंकि अभी जीएसटी न्यूज़ में है और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप ये बताइए कि जो जीएसटी है, जीएसटी किस टैक्स को अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, किस टैक्स को अफेक्ट करेगा, आपको ये बताना है। जीएसटी काउंसिल ये कैसी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको ये बताना है। तीसरा सवाल, इस जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, आपको ये बताना है, इस जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा। चलिए, तो इसका आंसर है 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विथ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। पहले से मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए, हमारे कंट्री में हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या फॉलो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो करेगा पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज, मतलब कि पर व्यक्ति की आय वो बढ़ेगी, समझ रहे हैं, पर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, समझ रहे हैं। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है, मतलब कि हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, अगर हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे इकॉनमी में इन्फ्लेशन आएगा,
ठीक है। अगर हमारे इकॉनमी में इसमें अगर मनी सप्लाई घटा होता तो क्या होता, इन्फ्लेशन का रेट कम होता या डिफ्लेशन आता। मगर चूंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आएगा। मतलब क्या, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसको फॉलो करेगा हमारे यहाँ इन्फ्लेशन। मेरा आंसर है बी। दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन के अलावा तीन टर्म और बताए गए हैं। पहला है डिफ्लेशन और दूसरा है स्टैगफ्लेशन और फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन ये अलग अलग टर्म है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ इसमें और इसमें अगर ऐसे टर्म्स आए तो आपको बाकी तीन टर्म्स के बारे में भी जान लेना है, आपको उस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए, मैंने जब पिछली लेक्चर्स में मैंने जब 2010 वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आप मान लेते हैं कि 5% है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन के रेट में कमी आती है, अगर इन्फ्लेशन के रेट में कमी आती है तो हम उसे कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज द रिडक्शन इन रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है अ जनरल फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, देखिए अगर किसी गुड में, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर किसी एक गुड में नहीं, जो गुड्स हैं सभी चीजों हैं उनके जनरल प्राइस में अगर फॉल आएगा तो हम उसे कहेंगे डिफ्लेशन। मतलब कि अभी सामान का दाम है 20 रुपया, उस सामान का दाम गिर करके हो गया 15 रुपया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन। अगर अभी सामान का दाम है 20 रुपया और एक साल में इसका दाम बढ़ करके हो गया 25 रुपया, अगले साल इसका दाम बढ़ के हो गया 35 रुपया, तो देखिए इसका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर अगले साल 35 के बजाय ये 40 हो जाए तो देखिए पिछले साल बढ़ा था ये 10, है ना, इस साल कितना बढ़ा, इस साल ये बढ़ा 5। दाम में बढ़ोतरी हो रही है मगर जो रेट है दोस्तों वो कम हो गया, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो गया, इसे हम लोग कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। समझ रहे हैं, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या अंतर होता है, समझ गए आप लोग। डिफ्लेशन में दाम एक्चुअली कमता है, 20 से हो गया 15, मगर डिसइन्फ्लेशन में दाम बढ़ रहा है मगर उसका जो रेट है वो कम रहा है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पीछे। तो अब हम लौटते हैं वापस सवाल की तरफ। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ हमारे इंडियन इकॉनमी में इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, CPI या WPI। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई कब बढ़ जाएगा, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, बढ़ेगा क्या। जी हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए हमारी जनता के पास है, यह है हमारी जनता, यह है हमारी सरकार, यह है गवर्नमेंट, यह है पब्लिक। जनता के पास है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये पैसा नहीं है, ये बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट ने जनता को दिए पैसे और उन्होंने ले लिया ये बॉन्ड। तो देखिए अब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, है ना, पब्लिक के पास मतलब कि इकॉनमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो मेरा क्या हुआ, मेरा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये है हमारा बैंक, कुछ बैंक हैं, ये है हमारा पब्लिक। पब्लिक देखिए पब्लिक के हाथ से पैसा गया हमारे बैंक के पास, तो हमारे जो इकॉनमी है, हमारा जो जनता है, वहाँ से रुपए की का जो सप्लाई है वो घट गया, है ना। आपने पैसा दिया बैंक को, बैंक ने इसी पैसे को घुमाया लोन में और वो गया वापस आपके पास। हमारी इकॉनमी में मनी सप्लाई नहीं बढ़ी। ठीक है, मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, बल्कि देखिए आपने दिया था 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए आपने इसको दिए, जमा किए बैंक में, बैंक ने उन 100 करोड़ रुपए में से केवल 80 करोड़ रुपए ही उन्होंने लोन में घुमाए, तो क्या हुआ, यहां से निकला 100, वापस आया 80, मतलब कि 20 का नुकसान हुआ, है ना। हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई एक्चुअली घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि मनी सप्लाई कब बढ़ेगा, मेरा सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। जब मेरा 2 गलत हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने काटा बी, मैंने काटा
डी। अब देखते हैं तीसरे पर, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, आरबीआई से सरकार पैसे बोरो कर रही है। क्यों बोरो करेगी भाई? सरकार पैसे बोरो कर रही है किसी स्कीम पे खर्च करने के लिए, ये है हमारी आरबीआई, ये है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसे बोरो किए, कैसे बोरो करेगी? आरबीआई से कुछ मतलब ऐसे तो दे नहीं देगा, गवर्नमेंट आरबीआई को देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक्स, ठीक है। जैसे ही इसको सिक्योरिटी देगा आरबीआई इसे दे देगी रुपए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये रुपए लेकर के स्कीम्स पे खर्च करेगा, ये जो पैसे हैं वो मनरेगा के अंतर्गत और भी अलग अलग जो स्कीम है उसके अंतर्गत खर्च की जाएंगी, ये पैसा आएगा हमारी इकॉनमी में, हमारी जनता को ये पैसा मिलेगा, तो हमारी इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो गया बढ़, है ना, मेरा थर्ड हो गया सही। देखिए चौथा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब सरकार ने आरबीआई को दिया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का करेगा क्या? इस पर तो ब्याज देना पड़ेगा सरकार को, है ना। आरबीआई ने खरीदी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार से, सरकार अब आरबीआई को ब्याज देगी। अब देखिए, आरबीआई ने जनता को, पब्लिक को दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। पब्लिक ने जब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस दिया आरबीआई को रुपया, ठीक है। अब पब्लिक के हाथ से रुपया जा रहा है दूर, तो क्या होगा? हमारे इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो घटेगा। पूछ क्या रहा था? मनी सप्लाई बढ़ना है, ये तो हो नहीं रहा, मतलब मेरा फोर जो है वो गलत है। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ 1 और 3, कौन सा मैच किया दोस्तों? सी मैच कर रहा। इस तरह आपको एग्जाम में सवाल करने हैं, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको जवाब तक पहुंचना है। हम लोग देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। 2011 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एफपीआई या एफआईआई जो नया वाला है इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसने ये पूछा था। अगले साल 2012 में ही उन्होंने पूछ दिया कि इनमें से कौन सा वुड इंक्लूड एफडीआई, मतलब कि पहचानना है कि इनमें से कौन सा है जो एफडीआई कहलाएगा। तो अगर आप पिछले ईयर के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। देखिए, सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कोई अमेरिकन कंपनी है ए, उसने इंडिया में करके अपनी एक सब्सिडरी खोली, तो क्या ये एफडीआई कहा जाएगा? जी हाँ, ये एफडीआई कहा जाएगा। मान लेते हैं कि वॉलमार्ट है, उसने इंडिया में आकर के अपनी एक ब्रांच खोली, एक सब्सिडरी खोली, ये हमारे यहाँ एफडीआई कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा जी, पहला सही है। मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, मान लेते हैं कि एक इंडियन कंपनी है इंडो, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट ने इंडो का 51% शेयर खरीद लिया, मतलब क्या इसका जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो कौन बन गया? वो बन गया वॉलमार्ट, है ना। इस कंपनी इंडो का जो मालिक बन गया वो कौन बन गया? ये बन गया वॉलमार्ट, इसे हम लोग कहेंगे एफडीआई, मेरा सेकंड भी सही है। तीसरा देखते हैं, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनी, ये भी सही है। अगर किसी कंपनी को खोलने में अगर उसका जो एंजल इन्वेस्टर है वो अगर किसी कोई फॉरेन कंपनी है और जो पैसे आए हैं वो पूरी तरह से उसी कंपनी के यहाँ से आए हैं तो इसे हम लोग कहेंगे एफडीआई, मेरा थर्ड भी सही है। एफपीआई जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो एफडीआई के अंतर्गत नहीं होता, वो अलग होता है। मेरा फोर जो है वो गलत है, मेरा 1, 2, 3 कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। फोर मैंने एलिमिनेट किया तो मेरा ए कट गया और बी कट गया था, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो एफपीआई होता है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने साथ केवल कैपिटल लेकर के आता है, मगर जो एफडीआई होती है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपने साथ कैपिटल तो लेकर के आएगा ही, प्लस टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगा और जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो भी लेकर के आएगा और जो कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस हैं बढ़िया बढ़िया सी वो भी हमारे यहाँ लेकर के आएगा, हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाती है, वहाँ का जो डेमोग्राफी होता है उसमें ट्रांजिशन होता है। आपसे पूछ रहा है कि वो ट्रांजिशन जो है वो उसके स्टेजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर कोई इकोनॉमी प्री डेवलपमेंट स्टेज पे है, मतलब कि अगर वहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है और वो अभी बैकवर्ड सोसाइटी है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो हाई होगा और जो डेथ रेट है दोस्तों वो भी हाई होगा। बर्थ रेट हाई क्यों होगा? देखिए, अभी हमारी जो सोसाइटी है वो बैकवर्ड है, अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, तो क्या होगा? जो हेल्थ के जो साधन होंगे, जो हेल्थ सर्विसेज होंगे वो ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, वहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। अब चूँकि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो जो IMR है
IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, ये सब चीज़ें जो होंगी वो हाई होंगी, जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो हाई होगी, ठीक है। तो जो पेरेंट होंगे वो देखेंगे कि अगर हमारे 5 बच्चे में से केवल 2 बच्चे ही सर्वाइव कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ज़्यादा बच्चे करने पर जोर देंगे, है ना। तो वहाँ पर जो बर्थ रेट होगा वो हाई होगा, और चूंकि हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है इसलिए वहाँ पर जो डेथ रेट होगा वो भी हाई होगा। जैसे जैसे दोस्तों डेवलपमेंट होगी वहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी होती जाएंगी, जो डेथ रेट है वो कम होता जाएगा। मगर दोस्तों मनुष्य का जो स्वभाव है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करता, जब वो देखेगा कि डेथ रेट, देखिए अभी क्या होगा, अभी जो डेथ रेट है वो कम होगा और जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई ही रहेगा। जब ये मनुष्य देखेगा कि हमारी डेथ रेट कम हो गई है, तो अगर हम 3 बच्चे करते हैं तो मेरे 3 में से कम 2 तो सर्वाइव हो ही जाते हैं, तो क्या करेंगे वो, अब ज़्यादा बच्चे करने पर जोर नहीं देंगे। अब वो डेथ रेट चूँकि कम है इसलिए वो जो बर्थ रेट है उसको भी वो कम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी वो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, फिर जो है वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की ओर बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो हाई है और जो डेथ रेट है दोस्तों, देखिए यह है डेथ रेट, यह है बर्थ रेट, अभी दोनों हाई है। फिर क्या होगा आगे का स्टेजेस में, क्या होगा जो डेथ रेट है वो देखिए घटना शुरू हुआ है ना, ये घट रहा है और बर्थ रेट भी घट रहा है, ठीक है। जब इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी तो क्या होगा, दोनों घट जाएगा। तो पहले मेरा क्या होगा, पहले होगा मेरा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट 2, इसके बाद क्या होगा हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट मेरा हो गया 3, फिर क्या होगा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट 1। आपको ये सब चीज़ें मिलेगी जो सोसाइटी वाली किताब है ना, सोशियोलॉजी वाली, शायद क्लास 12th की है किताब वाली, उसमें आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 2, 3, 1 कौन सा हुआ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ UNDP सपोर्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डिप्रावेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एसेट एंड सर्विसेज एट हाउसहोल्ड लेवल, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, एक्सटेंट ऑफ बजट डिफिसिट एंड GDP ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, इनमें से क्या कवर करता है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और HDI। तो देखिए जो HDI है वो क्या करता है, दिस मेजर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इंडिकेटेड बाई नेचुरल ग्रोथ ऑफ GDP। देखिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब अच्छी होगी, जब वहाँ पर जो वहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पर जो GDP है वो ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा होगी, पर कैपिटा GDP, ध्यान दीजिए पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, तब वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा होगी। अब देखिए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रावेशन ऑफ कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड अदर एसेट्स। अगर आपके पास कुकिंग फ्यूल नहीं है तो आप गरीब हैं, अगर आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो आप गरीब हैं, अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप गरीब हैं। तो देखिए जो MPI होता है वो मल्टीपल डिप्रावेशन को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि आप गरीब हैं तो आप गरीब किस किस आधार पर हैं, आपके यहाँ क्या क्या नहीं है, और ये जो गरीबी है वो हाउस होल्ड लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर नापी जाएगी। ये आपको ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये आपको जो डिप्रावेशन है उसका प्रिवलेंस प्लस इसकी इंटेंसिटी, मतलब कि कितने लोग गरीब हैं आपको ये बताएगा, और उनकी गरीबी किस कारण से है आपको वो भी बताएगा। तो अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही लोगों को, वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे आप, सरकार उन लोगों को वाटर और जो बिजली है वो प्रोवाइड करेगी। तो देखिए इनमें से जो डिप्रावेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एसेट एंड सर्विसेज है उन्हीं को ये कवर करता है, मेरा आंसर है 1 ओनली। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। देखिए लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है इंडियन पॉलिटिक की, वो सब पढ़ते हैं, मगर लक्ष्मीकांत की एक और किताब आती है गवर्नेंस इन इंडिया, पतली सी बुक है गवर्नेंस इन इंडिया। तो अगर आप 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप जो पॉलिटी वाली किताब उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, प्लस जो गवर्नेंस इन इंडिया है इसको भी आप पढ़िए। अगर आप 2017 में देने वाले हैं एग्जाम तो आपको पॉलिटी पढ़नी है, अगर आपने गवर्नेंस ऑफ इंडिया को पहले पढ़ लिया तो उसको रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अभी पॉलिटी को ही रिवाइज कीजिए। तो देखिए इनमें से जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है उसके क्या क्या मेथड्स हैं, जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा दोस्तों वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। जी हाँ ये है जी। और हमारा जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें जो पैसे होंगे, अगर सरकार को वो पैसे निकालने हैं तो उनको हमारे पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होगी, एक बिल पास कराना होगा, एक मनी बिल पास कराना होगा। तो मेरा जो सेकंड है वो भी सही है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम CFI ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, इस बिल को पास करने के बाद ही सरकार इस फंड से पैसे निकाल सकती है। हमारे यहाँ होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और इसके अलावा एक और है पब्लिक अकाउंट, इससे पैसे निकालने के लिए हमें कोई बिल पास नहीं करना पड़ता, ठीक है। तीसरा देखते हैं प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक किताब में मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा। जी हाँ ये भी एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मेथड है। तीसरा भी सही है। पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, जी हाँ सरकार ने जो स्कीम्स लॉन्च की, जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उसका रिव्यू किया जाएगा, ये भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल इन पार्लियामेंट, जी हाँ ये भी है। 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों हैं जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के मेथड हैं ओवर पब्लिक फाइनेंस। जब आप गवर्नेंस ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पर किस तरह से कंट्रोल करता है, हमारे जुडिशरी कैसे कंट्रोल करता है अलग अलग पर। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए जो यूएस की पॉलिटी है ना, यूएस की पॉलिटी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है वो वाला। हमारे यहाँ इसको फॉलो किया जाता है मगर हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। देखिए लेजिस्लेटर जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव वो कहाँ से आता है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट से ही आता है। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर, सॉरी जो लेजिस्लेटर है उनके मेंबर होते हैं, वो आते हैं चुन के राज्यसभा से, वो आते हैं चुन करके लोकसभा से, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आते हैं लेजिस्लेचर से। US में ऐसा नहीं है, US में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर चुन के नहीं आती, वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, उनके द्वारा जो एक जो कोलिजियम होता है उनके द्वारा चुनी जाती है। तो इस टॉपिक पर, सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक पर हम कभी और बात करेंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर है 5D 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे 13 फाइनेंस कमीशन से। 13 फाइनेंस कमीशन थोड़ा पुराना हो गया दोस्तों, अभी हमारे पास 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई है। हम लोग इस सवाल को डिस्कस करने के बजाय हम लोग 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो टैक्स को कि जो शेयर है स्टेट्स का, उस शेयर को 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया जाए। जो 13th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने ये कहा था कि 100 रुपये में से 32 रुपये जाएंगे हमारे स्टेट को, ये होगा वर्टिकल डिवोल्यूशन। हमारे जो 14th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने ये कहा कि 32 के बजाय आप 42% भेजिए, 100 रुपये के बजाय आप 42% जो रुपए हैं वो आप स्टेट के पास भेजिए, उसके बाद जो 42 रुपये होंगे वो अलग अलग स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखिए इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर टू द स्टेट। ध्यान दीजिए, पहले 32% जाता था प्लस उसके बाद जो ग्रांट्स होते थे वो भी जाता था, मगर जो ग्रांट्स होते थे वो क्या होते थे, वो कंडीशनल होते थे। यहाँ पर जो 42% है ना वो अनकंडीशनली जाएगा। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, लीव अप्रोप्रिएट फिस्कल स्पेस फॉर द यूनियन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर टू द स्टेट। इतना डिवॉल्व करने के बाद जो अलग अलग स्टेट हैं जिनको ज़रूरत है और फंड की, वहाँ पर जो यूनियन है उसको वो भी स्पेस दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हुआ है फिस्कल स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, फिस्कल स्पेस का मतलब ये होता है कि क्या आपके पॉकेट में माल है। अगर आपके पॉकेट में अच्छा खासा माल है तो मैं कहूँगा कि आपका जो आपके पास जो फिस्कल स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो सरकार है उसको टैक्स के रूप में काफ़ी कम पैसा मिलता है। क्यों कम मिलता है, क्योंकि हमारा जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स ब्रैकेट क्या होता है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो देखिए हमारा जो टैक्स बेस है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम लोग हमारे यहाँ टैक्स देते हैं, इस कारण से जो सरकार की आमदनी होती है, जो टैक्स रेवेन्यू होती है वो कम होती है। तो क्या है, सरकार की जो फिस्कल स्पेस है वो कम होती है, सरकार के पास जो माल है वो कम है। अगर सरकार का टैक्स ब्रैकेट, टैक्स बेस बढ़ जाए तो क्या होगा,
टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आएगा, सरकार का जो फिस्कल स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अगर सरकार के पास है 100 रुपये, सरकार ने 100 रुपये में से दे दिए 42 रुपये स्टेट्स को, तो अब कितना बचा? इसके पास बचा 58 रुपये। अगर सरकार 42 के बजाय अगर 52 रुपये देती तो क्या होता? जो यूनियन है उसके पास कितना बचता? उसके पास बचता केवल 48 रुपी। सरकार का जो फिस्कल स्पेस है वो घट जाता। अगर हम कम डिवॉल्व करेंगे तो फिस्कल स्पेस ज़्यादा होगा यूनियन के पास। देखिए, हमने ज़्यादा डिवॉल्व किया स्टेट को, तो जो स्टेट की जो फिस्कल स्पेस है वो बढ़ गई। अब वो जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की और भी जो रिकमेंडेशन है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड और जो डिवोल्यूशन से रिलेटेड, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, जो दूसरे सवाल है वो छूट जाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? देखिए, ये प्लांट है, इसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपको। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। करता है क्या? जी हाँ जी, बिल्कुल करता है। देखिए, ये एक हर्ब है, ध्यान दीजिए, ये जो सी बकथॉर्न है ये एक हर्ब है। इसका पत्ते, इसके फूल और इसके जो फल हैं वो मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसके जो फूल होते हैं, वो आपको ऑर्थराइटिस को ट्रीट करने में और जो अल्सर वगैरह है, जो गॉट है, इसको ट्रीट करने में काम आता है। और इसकी जो बेरीज होती हैं वो इन्फेक्शन को दूर करने में, साइट को इम्प्रूव करने में और एजिंग को स्लो करने में काफ़ी मददगार होती है। आप जो फल देख रहे हैं ये वाला, इससे बनता है जेलीज, जूस और सॉसेज। ध्यान दीजिए, ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाने में भी ऐसा काम आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेरीज होती हैं वो एजिंग को स्लो करती हैं। अगला देखते हैं, इट हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये जो बायोडीजल है उसका एक रिच सोर्स माना जाता है। मेरा सेकंड भी सही है। इट हैज़ न्यूट्रिशन वैल्यू एंड इज़ वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड, सही है। इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, जी हाँ ये भी सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1, 2, 3, 4। इस पौधे के बारे में और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आपको कहीं और जाने के, कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। और अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, इनमें ग्रोथ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या पॉलिसी लेनी चाहिए? सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, NIMZ। एक होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दोस्तों, दोनों के बारे में, SEZ के बारे में और NIMS के बारे में, आप दोनों के बारे में पढ़ लीजिए, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर हम NIMS को सेटअप करेंगे तो हाँ जी हाँ, जो सेक्टर इसमें ग्रोथ आएगा, मेरा पहला सही है। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो आपको कई सारे क्लियरेंस चाहिए होते हैं आपको सरकार से। अगर आप किसी खास सेक्टर में करना चाहते हैं काम, तो आपको सरकार से चाहिए होगा लाइसेंस, प्लस जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है आपको वो लेना पड़ेगा, जो पोल्यूशन के लिए चाहिए होगा लाइसेंस आपको वो भी लेना पड़ेगा। तो अगर ये सब लाइसेंस, अगर ये सब क्लियरेंस हमें एक ही जगह मिल जाए तो जो कंपनी है उनको भागदौड़ कम करनी पड़ेगी। जब उन्हें तकलीफ कम होगी, जब उन्हें प्रॉब्लम कम होगी, तो क्या होगा, वो इंडिया एज अ डेस्टिनेशन को प्रेफर करेंगे, यहाँ आकर के वो और काम करना चालू करेंगे, यहाँ पर वो आकर के फैक्ट्री लगाएंगे। मेरा सेकंड हो गया सही। तीसरा, इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, ये भी हमारे जो सेक्टर है उसको प्रमोट करेगा। मेरा 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो हमारे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का पार्ट हैं। मेरा 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द RBI लीड्स टू वॉट? देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है रेपो रेट, मैंने आपको पढ़ाया है रिवर्स रेपो रेट, मैंने आपको पढ़ाया है बैंक रेट, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, हमारा जो LAF क्या होता है, MSF क्या होता है, सब कुछ मैंने पहले बता दिया है आपको। तो देखिए, जो बैंक रेट होता है वो क्या होता है, अगर कोई बैंक RBI के पास जाता है लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग करने, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेगा RBI, उसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म, मैंने क्या कहा, मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई बैंक जाएगा लोन लेने, तो उसे हम लोग कहेंगे बैंक रेट। अगर कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाएगा तो वो किस पर देगा, उस पर जो ब्याज लगेगा उसे हम कहेंगे रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए जो ब्याज होगा वो होगा रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्याज होगा वो होगा बैंक रेट। तो अगर RBI ने बैंक रेट कम कर दिया तो क्या होगा,
जो SBI है, यूनियन बैंक है, वो सब दौड़ दौड़ के जाएंगे RBI के पास, भैया आपने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया है, अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे दे दो, हम उसको लोन में घुमाएंगे। ठीक है, तो बैंकों ने जा करके RBI से शुरू कर दी बोरोइंग, तो क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है दोस्तों वो बढ़ गई। तो क्या हो गया आंसर इसका, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, ए इज द राइट आंसर। बाकी BCD को भी आप चेक कर लीजिए, आप जब गोला भर रहे होंगे तो गोला भरने से पहले अगर आपके पास समय है तो ए को टिक मारने के बाद BCD को भी चेक करके आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि जी हाँ BCD मेरा गलत है, लेक्स लिक्विडिटी इन द मार्केट गलत है, नो चेंज इन द लिक्विडिटी ये भी गलत है, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक ये भी गलत है। यहाँ पर डी कैसे गलत हुआ, देखिए डी गलत इसलिए हुआ क्योंकि डिपॉजिट कब बढ़ेगा, डिपॉजिट बैंक में तब बढ़ेगा जब पब्लिक जा करके ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेगी, ऐसा नहीं हो रहा। बैंक हैं जो RBI के पास जा रहे हैं लोन लेने, तो बैंकों के पास फंड जरूर बढ़ेगा मगर उसकी जो डिपॉजिट होगी वो नहीं बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब पब्लिक जा करके ज़्यादा बैंक में पैसा जमा कराए, अपने सेविंग को ज़्यादा बढ़ाए। अगला सवाल है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ऑन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रेजेंट यूज। यार मतलब कि एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है ये, मतलब कि देखो हम लोग अपना जो अभी का जो कोल रिजर्व है उसको बचा रहे हैं, भैया क्यों बचा रहे हैं, मेरा पहला लाइन हो गया गलत, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की, वो ये चाहती है कि हमारे जो देश के जो सोर्सेज हैं, हमारे जो ओर्स हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करें, बाहर से हमें इम्पोर्ट करना ना पड़े, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हमारे जो डिफिसिट होगी वो कम होगी। ध्यान दीजिए, जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो हम बाहर क्या भेजते हैं, हम बाहर भेजते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हैं, हम उसे कम नहीं करना चाहते। दूसरा देखिए, अच्छा मैंने जब 2-1 काटा तो क्या हुआ, मैंने ए काटा, सी काटा और डी काटा, मुझे आराम से आंसर मिल गया अभी, मगर अगर आपके मन में अभी भी थोड़ी दुख दुखी है तो क्या करेंगे आप, 2 और 3 आप चेक कर लेंगे। दूसरा कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशियंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। देखिए दोस्तों, जी हाँ हमारा जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया जो PSU है वो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अभी भी पुराने चीज़ों पर पुराने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमारी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम है, ये ज़्यादा मात्रा में कोल नहीं बना पाता, कोल नहीं खोद पाता जो कि हमारे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसके लिए सफिशियंट हो, इसलिए हमें थोड़ा सा कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है। प्लस हमारा जो कोकिंग कोल है, ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर तीसरा में दिया हुआ ही है, हमारे जो स्टील कंपनीज हैं उन्हें कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है, और को जैसे कि हम लोग जब स्टील बनाते हैं तो हमें उसमें कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, तो हमें इसके लिए भी हमारे जो कोकिंग कोल है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो मेरा सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार ने भी कोल लिंकेज स्कीम को लॉन्च किया है, मतलब कि यह है पावर प्लांट, मान लेते हैं कि पावर प्लांट यह है महाराष्ट्र में और जो कोल के माइंस हैं वो है हमारे उड़ीसा में, मान लेते हैं कि उड़ीसा में है, ठीक है, तो एक पावर प्लांट है महाराष्ट्र में और जो कोल के खदान है वो है गुजरात में, मान लेते हैं कि है गुजरात है यहाँ पर, अभी जो लिंकेज है वो है उड़ीसा वाले खदान से महाराष्ट्र वाले पावर प्लांट पर। तो देखिए उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच की दूरी ज़्यादा है, जो गुजरात में जो खदान थे कोल के उसकी दूरी महाराष्ट्र से कम है, है ना, तो हम क्या करेंगे कि उड़ीसा से कोल मंगाने के बजाय हम लोग गुजरात से ही कोल मंगा लेंगे, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए जो कोयला है वो काफ़ी भारी होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में खर्च आता है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा दोस्तों वो कम हो जाएगा, बिजली बनाने में जो खर्चा आएगा वो कम होगा, है ना, जो लोग हैं उनको सस्ती बिजली मिलेगी। तो दोस्तों सरकार ने इन सब को ध्यान दिया है और जो कोल इंडिया है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो मेरा आंसर है 2 और 3। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 2012 प्रीलिम्स में जो एक क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के उसको, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।